अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली लिकर पॉलिसी केस, जिसे शराब घोटाले भी कहा जाता है, उसमें शुक्रवार को जमानत दे दी है। यानी कि केजरीवाल अब जेल से बाहर आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों जजों के मत अलग अलग थे। इसको आइए समझते हैं फुल फ्लेजेडली कि इसमें क्या क्या हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने अपने फैसले सुनाए। कई मसलों पर दोनों जज एक दूसरे से अलग अलग मत रखते थे, लेकिन जमानत के फैसले को लेकर जजों के मतों में एक रूपता थी, यानी कि दोनों अग्री कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि इस केस में जल्द ही नतीजों पर पहुंचा नहीं जा सकता है, वो उस नतीजों पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, गवाहों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसलिए आरोपी को जेल में बंद कर रखना उसके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस कांता ने कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं थी। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करते समय सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे कहा जाता है, उसकी धारा 41 के आदेश का पालन करने में विफल रही। वहीं जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई ने कई महीनों तक केजरीवाल को गिरफ्तार ही नहीं किया था, लेकिन जब केजरीवाल को ईडी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली थी, तभी मामले को और उलझाने के लिए अचानक सीबीआई सक्रिय हो जाती है। सीबीआई की इस प्रकार की कार्रवाई उनकी जांच पर, यानी कि सीबीआई की जांच पर सवाल उठाती है। आगे जस्टिस भुइयां ने सीबीआई पर बोला कि सीबीआई एक प्रमुख जांच एजेंसी है, जांच एजेंसियों को एक निश्चित तौर से यह करना होगा कि जनता में उनके काम को लेकर कोई सवाल ना उठे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों में यह भ्रम भी ना बैठे कि सीबीआई की कार्रवाई में निष्पक्षता नहीं है। आगे कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर कुछ शर्तें भी रखी हैं। क्या क्या हैं वो शर्तें? वह किसी सरकारी फाइल या दस्तावेज पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरत अगर है तो वो ऐसा कर सकते हैं। वह सचिवालय नहीं जा सकते हैं। शराब घोटाले से संबंधित जिस केस का इस वक्त पे मुकदमा चल रहा है, उसकी फाइलें नहीं देख सकते हैं। कोर्ट के फैसले को लेकर कोई भी किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जमानत मिलने से केजरीवाल की मुश्किलें थोड़ी कम तो हुई, पर पूरी तरीके से कम नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट की शर्तें उनके सरकार चलाने पर अड़ंगा डाले ही रहेगी, जिससे कई जरूरी लोक कल्याणकारी योजनाएं भी ठप पड़ी रह सकती हैं। लेकिन आपके लिए राहत ये है कि वो अब चुनाव प्रचार कर सकते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, जिसे देखते हुए केजरीवाल का जेल से बाहर आना उन्हें फायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ हरियाणा के जो चुनाव हैं, इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला किया है, जिसके लिए भी आम आदमी पार्टी को अब एक जो उनका सबसे बड़ा चेहरा है अरविंद केजरीवाल, वो उन्हें प्रचार के दौरान जमीन पे दिखेगा। कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने इस साल 26 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उस समय वह पहले से ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद थे। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर तीखे प्रहार किए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि गिरफ्तारी को वैध ठहराकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आईना दिखा दिया है, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए और पलटवार करते हुए कहा कि तानाशाही खत्म करने की जरूरत है।